स्वागत है गाइस आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज ऑल इंडिया ट्रैवल डे 74 है और अभी हूँ मैं मदुरई। तो पीछे देख रहे हो ये मदुरई का रेलवे स्टेशन है और इसको एकदम मंदिर के टाइप से बनाया गया है क्योंकि मदुरई सिटी एक टेंपल सिटी है। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं मीनाक्षी टेंपल और वहाँ जाके दर्शन करेंगे और दिखाता हूँ मैं आपको कि मंदिर कैसा है और यहाँ से डिस्टेंस वगैरह कितनी है वो सब बताऊँगा। तो चलो चलते हैं पहले मीनाक्षी टेंपल। गाइस ये जो आप देख रहे हो ये मीनाक्षी अम्मा टेम्पल का मेन गेट है और रेलवे स्टेशन से आओगे तो आप इसी गेट पे आओगे। ये वेस्ट गेट है। मंदिर के तीन और गेट हैं, टोटल चार गेट हैं। ये लोग यहाँ पे टावर बोलते हैं, हम लोग गेट बोलते हैं, कोई बात नहीं। और अब बात करेंगे यहाँ आना कैसे है। मदुरई में ना आप फ्लाइट और ट्रेन दोनों से आ सकते हो, हर जगह से कनेक्टिविटी है यहाँ पर। तो अगर बात करूँ दिल्ली मुंबई या फिर गुजरात साइड से अगर आप आ रहे हो तो आप कहीं से भी आ सकते हो, डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी आपको मदुरई के लिए। और फ्लाइट से आना चाहते हो तो फ्लाइट से भी आ सकते हो। तो अब बात करेंगे कि यहाँ पे कितने दिन का प्लान बनाना है आपको आने के लिए। तो मैं बता दूँ, आप अगर आ रहे हो तो कम से कम 3 दिन का प्लान बना के आएँ क्योंकि यहाँ से रामेश्वरम जो है ना वो बहुत ही पास में है, क्योंकि 1 दिन मदुरई में और बाकी के 2 दिन रामेश्वरम में। रामेश्वरम का यहाँ से डिस्टेंस 150 किलोमीटर का है। अगर आप मदुरई आ रहे हो तो वहाँ पर ज़रूर जाओ। और गाइस अब बात करेंगे कि मदुरई में रुकना कहाँ है। तो सबसे पहले बता दूं आपको ऐसे प्लान बनाना है कि जो ट्रेन आ रहे हो ना आप, वो ट्रेन आपको मॉर्निंग में ही पहुँचा दे मदुरई। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे या तो आप रिटायरिंग रूम ले लें, नहीं लेना चाहते तो क्लॉक रूम में अपना सारा सामान रख के, और वेटिंग हॉल में, वहाँ वेटिंग हॉल हर एक रेलवे स्टेशन पर रहता है तो आप उसका वॉशरूम वगैरह यूज़ करके फ्रेश व्रेश होकर नहा धो के उसके बाद दर्शन के लिए आ सकते हो यहाँ पर। और अब बात आती है खाने पीने की। तो खाने पीने के बारे में बता दूं मैं आपको, मदुरई सिटी बहुत ही सस्ती सिटी है, एकदम खाना पीना आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा यहाँ पे। और मंदिर के आसपास देखोगे ना तो चारों तरफ खाने पीने की दुकानें, आप वहाँ भी खा सकते हो, नहीं तो रेलवे स्टेशन के आसपास भी है तो वहाँ पर भी खा सकते हो। तो गाइस खाने पीने का हो गया, तो अब बात आती है मदुरई में कहाँ कहाँ घूमे। तो पहला तो आपका मीनाक्षी टेम्पल हो गया और दूसरा हो गया सिसुमलई महल, ठीक है। आप ये दो एक्सप्लोर कर सकते हो, दोनों आसपास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है मंदिर के। तो ठीक है अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन कराता हूँ मैं आपके मीनाक्षी माता के। तो गाइस चलो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको ये मेन गेट। ये जो गेट है ना मेन गेट है और ये वेस्ट साइड में है, फिलहाल ये गोपुरम बोलते हैं यहाँ पे। और अभी चल रहे हैं जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है और मंदिर यहाँ से ठीक सामने में है। आप देख रहे हो ये बड़ा गेट है, इसके बाद एक और अंदर गेट मिलेगा आपको। तो उससे पहले बताता हूँ यहाँ पर आपको कि बैग वगैरह कहाँ रखना है, या तो आप अपने रेलवे स्टेशन में रख के आ दो तो ठीक है, और अगर आप रेलवे स्टेशन में सामान रख के नहीं आ रहे हो तो कोई सा भी गेट पे जाओगे ना, आप चार गेट हैं मंदिर के, तो मंदिर के गेट के पास में ही क्लॉक रूम है। ये देख लो गाइस सामने शूज़ स्टैंड है, शूज़ स्टैंड तो आप फ्री में रख सकते हो जूते वगैरह, और अपना बैग के लिए 5 रुपये लगेंगे, आपके मोबाइल वगैरह उसके लिए भी 5 रुपये लगेंगे। तो आप यहाँ पर अपना बैग वगैरह रख सकते हो, आप सामने देख लो लिखा हुआ भी है चप्पल स्टैंड, ठीक है फ्री चप्पल स्टैंड। और आपको यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, इसके बाद देख लो सामने लिखा भी है वे टू दर्शन, और अंदर जाके आपकी चेकिंग वगैरह होगी। तो ठीक है गाइस मैंने आपको बता दिया है कि सामान वगैरह कहाँ रखना है और कैसे क्या करना है। तो अब बात आती है मंदिर के अंदर चलने की। तो अंदर मोबाइल वगैरह नहीं लेके जा सकता, मैं एक बार दर्शन करके आ चुका हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जैसे आप मेन गेट से अंदर जाओगे ना तो सबसे पहले आप जाओगे मीनाक्षी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए, और उसके बाद जाओगे आप भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं मंदिर के बारे में। तो मंदिर मतलब जो मीनाक्षी टेम्पल है वो माता पार्वती का रूप है मीनाक्षी, और जो अंदर सुंदरेश्वर महादेव हैं वो भोलेनाथ है हमारे। बताया जाता है कि भोलेनाथ आए हुए थे इस मंदिर में माता मीनाक्षी से शादी करने के लिए। तो गाइस भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अब आपको जाना है मंदिर के अंदर, 1000 पिलर का मंडप है तो उसको ज़रूर देखें जाके, क्योंकि कई सारे पिलर आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो वहाँ पर गाइड वगैरह रहेंगे तो आप उनसे पूछ सकते हो उनके बारे में। और उसके बाद जाना है अंदर, एक पॉन्ड है मतलब तालाब है छोटा सा, और उसके पास ज़रूर बैठें क्योंकि उसके पास बैठने से ना आपको एक अलग ही तरह की शांति मिलेगी। तो गाइस पॉन्ड पे बैठने के बाद आपको जाना है भोजनालय में। वहाँ पे मंदिर के अंदर भोजनालय जो है ना वो हमेशा चलता रहता है, आप अगर मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ का प्रसाद ज़रूर लें। और खाने के बाद वहाँ पर आपको देंगे स्वीट्स में खीर देते हैं जो गुड़ से बनी रहती है, वो बहुत ही अच्छी है। ये सब प्रसाद है, अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो प्रसाद लेके ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है उसका। ये सब आज का 1 दिन का प्लान था आपका।
तो उसके बाद शाम को ट्रेन पकड़ के आप रामेश्वरम जा सकते हो। और रामेश्वरम का ब्लॉग मैंने डाला हुआ है पहले से, वहाँ पे कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है, वो सब उसमें है, तो आप जाके वो देख सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।